तरीके से अभी मैं एक जैसे बैंक निफ्टी पे ओपिनियन लाया था, मैं सोचा इस महीने दिसंबर का बैंक निफ्टी कैसा रहेगा, उस पर अपना ओपिनियन दे दो। तो आज देखेंगे 27,000 के लेवल का जब उसने हाई बनाया और वहीं से उसने थोड़ा फॉल दिखाना चालू कर दिया। तो 27,000 पे क्रुशियल लेवल है और यहाँ से अपसाइड दिखता है, ऐसा नहीं कि अपसाइड नहीं है। 27,400 तक जाके उसका 78% फिब रिट्रेसमेंट है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर कहें तो 27,400 के आसपास आता है, वहाँ वो जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मुझे अभी लगता है कि फर्स्ट हाफ जो रहेगा थोड़ा डाउन साइड रहना चाहिए और सेकेंड हाफ में अपसाइड रहना चाहिए, ये मेरा ये अपना ओपिनियन है, उसका बेस भी है। अभी जो G20 का मीटिंग होने वाला है, उसके बाद जो इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, इलेक्शन का रिजल्ट बहुत कोई पॉजिटिवनेस नहीं देने वाला आपको। और दूसरा अच्छा खासा ये अभी अपर रैली चला है, तो अपर रैली चलने के कारण क्या है, लोगों का सेंटिमेंट हो सकता है एक बार इसको नीचे की ओर पोजिशन बनाए, ताकि अपर सेंटिमेंट में जितने लोग को पोजिशन बनाए उसको थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए, ट्रेडर कमाने के लिए नीचे की ओर पोजीशन बना सकते हैं। दूसरा, अगर सेंटीमेंट प्लस था तो आज नेगेटिव क्लोजिंग नहीं देनी थी, अगर थोड़ा भी इसका सेंटीमेंट प्लस था तो आज पहला डे था दिसंबर का, पहला था, तो इसको 27,000 की क्लोजिंग में एक बार जैसे निफ्टी स्ट्रांगनेस दिखा रहा है, निफ्टी में आप देखेंगे तो थोड़ा स्ट्रांग दिखा रहा है, प्लस होके बंद हुआ है, बैंक निफ्टी नेगेटिव होके बंद हुआ है। ये मेरा दूसरा एक रीजन है कि नेगेटिव सेंटीमेंट से चालू किया है, ऐसा मुझे मानना है कि एक बार ये नेगेटिविटी तो पे जा सकता है। और चूंकि एक 27,000 का हाई लेवल टच कर दिया है तो नीचे अब ऊपर जाने के लिए 28,000 का मैक्सिमम लेवल है, 27,000 पास हो जाएगा और 28,000 जाएगा, कोई 28,000 तोड़ के अभी निकलने वाला तो है नहीं। तो अपर साइड देखे तो आपको 1,000 पॉइंट है और लोअर साइड देखे तो 26,000 तक का भी है। तो मुझे लगता है कि ये लो जो बनाएगा इस बार, जो इस महीने का पूरा रेंज होना चाहिए, वो 26,000 से लेकर के 27,500 तक का रेंज होना चाहिए। यही रेंज में इस महीने की अपनी जो भी क्लोजिंग है वो हो सकता है ये देगा। तो जिसको भी पोजीशन बनाना है 26,000 से 27,500 के रेंज में, ये इस महीने में जो पूरा गेम हो खेलेगा, ये नीचे 26,000 ऊपर 27,500। फर्स्ट हाफ में मेरा ऐसा मानना है कि एक बार ये पहले डाउनसाइड दिखाएगा, फिर ये अपसाइड दिखाएगा, जिस साइड भी दिखाएगा ये उल्टा जरूर करेगा। तो चूंकि इसको ऐसे क्लोजिंग देनी है, इसको 27,500 के आसपास क्लोजिंग जो रहेगी इस महीने की, मोस्ट प्रोबेबली 27 प्लस पॉजिटिव में होनी चाहिए और वो 27,500 के आसपास होनी चाहिए, 27,300 का हो, 27,500 का हो, वैसा कुछ होना चाहिए, 27 जो भी हो प्लस साइड में होगी, ताकि जनवरी में अच्छा खासा आपको यहाँ से फिर गिरावट अच्छा खासा दिखे देखने को मिलेगा आपको। तो जनवरी में तो नेगेटिव साइड है ही, उसमें कोई मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई दुराय है, जनवरी कंप्लीट बैंक निफ्टी के लिए नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन दिसंबर भी थोड़ा कॉशियसली आप रहिए, इसको अपर साइड 27,300 देना है और नीचे साइड इसको 26,000 टच करना है। अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए तो मैं 26,500 के पुट पे पोजीशन बनाना ज़्यादा पसंद करूँगा, और ये मैंने आपको जब मैं इसके पहले एक वीडियो दिया था उसमें भी ये बताया था, अगर आप जाके मेरा वीडियो देखेंगे और अगर किसी ने उस समय बाई भी किया होगा तो उसको फ़ायदा हुआ होगा। अगर आप मेरा वीडियो देखेंगे, ये वाला देखेंगे, सट्टा बाजार हु विल विन बैंक निफ्टी, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिखा 26,500, आपको सजेस्ट भी किया था। और अगर किसी ने भी 26,500 की पोजिशन बनाई होगी तो अच्छा खासा प्रॉफिट में भी होंगे वो। ये 27 दिसंबर का है क्लोजिंग, में हर्ष मैं बोलता हूँ, जब भी मैं पोजीशन बोलता हूँ लेने का दिसंबर का, तो दिसंबर में आपको 4 सेशन मिलेंगे, 6 दिसंबर, 13 दिसंबर, 20 दिसंबर और 27 दिसंबर। आपको जो पोजीशन बनानी है वो 27 दिसंबर की पोजीशन बनानी है। इलेक्शन पॉइंट से किसी को बनाना, कम पैसा इन्वेस्ट करना है तो 11 तारीख को रिजल्ट है, तो 13 दिसंबर का पोजीशन बना सकते हैं, दो ऑप्शन है आपके पास। अगर इलेक्शन को पॉइंट रख के बनाना है तो 13 दिसंबर, जिसमें कम पैसा लगेगा, ओवरऑल 27 दिसंबर में वैल्यूएशन ज़्यादा होता है, टाइम ज़्यादा होता है, अगर किसी एक साइड गए तो आप बच सकते हैं। तो आज जो 26,500 का पुट चल रहा है वो पॉजिटिव साइड में बंद हुआ है, 17 पॉइंट अप होकर के, और 355 की क्लोजिंग दी है इसने। आज अगर एट द मनी देखे 26,862 देखे तो 26,862 देखे तो ये 26,900 के आसपास देखे, 26,800 के आसपास देख लेते हैं,
तो आपको देखने को मिलेगा 26800, 26900, दोनों में कोई खास पोजीशन नहीं है, तो 27000 इसके लिए। तो 27000 में आप देखेंगे पुट साइड में 66000 की बाइंग हुई है, ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है, और टोटल ओपन इंटरेस्ट क्यूमुलेटिव 122000 है, जहां पे कॉल साइड में सिर्फ 15000 एडिशन हुआ है। तो पुट साइड में 66000 और कॉल साइड में 15000, ये भी मेरे सपोर्ट को थोड़ा सपोर्ट देता है, शायद मार्केट एक बार नीचे की ओर दिखाएगा। और अगर सबसे ज्यादा आज कॉल का एडिशन देखें तो 26500 के पुट पे हुआ है। आप देखेंगे 26500 के पुट पे जहां 186000 ऐड हो रहा है ओपन इंटरेस्ट, और टोटल 379000 4 लाख के आसपास है, वही कॉल साइड में देखें तो अनवाइंडिंग हो रहा है अनवाइंड हो रहा है, और टोटल ओपन इंटरेस्ट 248000 का है। तो अगेन मैंने 26500 बोला था आपको, तो 26500 पे और स्ट्रांगनेस यहां से देख के डाटा आता है। ओवरऑल देखें तो जो रेंज बन रहा है इस महीने का, मैं क्यों आपको बताया कि 26000 से 27500 का रेंज है, आप देखेंगे 26000 पे अनवाइंड हुआ 8,82,000, और सारा 26500 की ओर शिफ्ट हुआ है, तो आप देखें फिर भी 5,71,000 का सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट 26000 पे है। तो यहां से 26000 और ऊपर चलें तो आपको 26500, तो 26500 से 27500, 27500 क्यों बोला, 27500 में देखेंगे तो कॉल साइड में आपको 68000 का जो ऊपर ऐड हुआ है और 236000 का ऐड हुआ है, तो अपर साइड कॉल में 27500 दिखता है। 28000 पे देखें तो थोड़ा मोटा एडिशन हुआ है, और 28500 भी 28000 का एडिशन हुआ है, बट ये नॉमिनल है, ऐसा बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन एक चीज बताइए, अगर ये इस महीने की क्लोजिंग 27000 पे दिया है, समझिए कि लास्ट महीने के एक क्लास को पास करके बच्चा अब दूसरे क्लास में गया, और 27000 पे अगर क्लोजिंग दिया है, तो यहां के बाद आपको कॉल साइड की पोजीशन स्ट्रांग बननी चाहिए। फ्रेश बच्चा है तो फ्रेश पढ़ेगा, वापस जो पूरा महीना निकालना ईयर के समान समझिए आप, तो फ्रेश क्रॉस करेगा वो। लेकिन आप ऊपर साइड क्रॉस करने का मतलब ये नीचे साइड ज्यादा दिखा रहा है, तो यहां पे मुझे जो समझ में आता है कि उसको ऊपर साइड चढ़ने में ज्यादा तकलीफ हो रही है कंपेयर टू नीचे साइड में पोजीशन बनाने में उसको ज्यादा इजी हो रहा है। इसके लिए आप देखेंगे तो 26500 पे 186000 का हुआ है, 27000 के पुट पे 66000 का हो रहा है, 25500 पे 38000 का पुट हो रहा है, और पुट पे एडिशन ज्यादा देखने को मिल रहा है। टोटलिटी में जाके देखें तो पुट में 27,51,200 का ओपन इंटरेस्ट है और 22 लाख का कॉल की साइड में है। इसलिए मुझे लगता है फर्स्ट हाफ में ये हो सकता है आपको, चूंकि आज का आज जो क्लोजिंग भी दिया है इसने निगेटिव की ओर दिया है, तो यहां से मुझे लगता है कि एक बार निगेटिव पोजीशन बना सकता है। अब मैं अगर एक बार आपको इसको आवरली बैकग्राउंड पे लेके जाता हूं, आवरली बैक, तो यहां पे कहां पे सपोर्ट मिलता, कहां के बाद अपने को कॉशियस लेना चाहिए। तो मैंने यहां पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9, 21, 50, 100, 200 का लगा के रखा हूं। इसका मतलब है कि जब 21 है लास्ट 21 कैंडल, तो देखेंगे 26740 का आता है, तो वापस याद रखिए लास्ट 21 कैंडल का एवरेज जो है आवरली बेसिस पे 26740 का आता है। तो आपको 26740 पे अलार्म सिचुएशन है, अगर ये 26740 जो कि आज की क्लोजिंग है 26862 में, वहां पे आपको जग जाना चाहिए, और ये आपको 26540 वापस दिखा सकता है, 26540 के बाद 26291 भी दिखा सकता है। तो आपको इसलिए मैंने बताया कि 26740 अगर किसी को भी पोजीशन बनानी हो तो अपना स्टॉप लॉस अपर साइड में, स्टॉप लॉस बाइंग करनी हो तो 26740 का एक बार जरूर आप बना लेंगे तो अच्छा रहेगा। बाकी आप अपने फाइनेंशियल ट्रेडर से, फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही बनाइएगा कोई भी पोजीशन। ये मैं जो पुट में पोजीशन 26500 की बनाने की बता रहा हूँ, ये पेपर ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ, एजुकेशनल पर्पज से। डायरेक्ट मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनाई, क्योंकि ये सारे प्रेडिक्शन बेस्ड होते हैं, ये चार्ट ट्रेंड एनालिसिस स्टैटिक्स बेस पे होता है, और अगर ट्रेंड चार्ट कुछ भी गलत हो गया और प्रेडिक्शन गलत हो गया, एजम्पशन गलत हो गया, तो ये शायद वहाँ पे आपके वेल्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। जो न्यू कमर है उनको सीखना चाहिए, पहले पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए, फिर पोजीशन डायरेक्ट मार्केट में जाना चाहिए। तो एजम्पशन क्या क्या मैंने बताया कि आज जो पहला दिन है, आज पहला ही क्लास उसका खत्म हुआ और बहुत ही अच्छा खासा लास्ट मंथ रहा, 27000 को लास्ट मोमेंट पे दिखा दिया उसने, अपसाइड दिखा दिया,
तो फिर उसके बाद इस क्लास में आते ही, इस मंथ में आते ही निगेटिव क्यों हो गया? इतनी हड़बड़ी क्या थी उसको कि 27 जेड टच कराना था, और इतना एग्रेसिव क्या हो गया कि एक दिन में उसका एग्रेशन खत्म हो गया, वीक क्यों हो गया? तो एक मुझे वीकनेस दिखती है, और चूंकि फर्स्ट ट्रेडिंग था और फर्स्ट ही ट्रेडिंग थे उसने निगेटिव दिया, अगर 10 पॉइंट भी प्लस देता ना तो मुझे लगता कि एक बार ये 27,500 के ऊपर पहले जाता, बाद में नीचे आता। तो मुझे निगेटिविटी इसमें ज़्यादा लग रही है। दूसरा एक पैटर्न मैं आपको बताता हूँ जो आप एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगा कि यहाँ पे आपको भी बताना चाहिए। अगर आप ये पैटर्न देखेंगे जून का, तो जस्ट टैली होता है, जून 18 का पैटर्न देखिएगा। अब इसके डेली बेसिस पे मैं देखेगा कि जून में पहले ही चला गया था, फर्स्ट ही कैंडल बना था, वो 26,060 का बन गया था जुलाई में। मैं एक पैटर्न खाली आप समझाना चाहता हूँ जो कि जस्ट अपने पैटर्न से, अभी नवंबर के पैटर्न से टैली करता है। जून 18 में 27,047 का हाई बनाता है, अपना भी हाई इस महीने 27,012 का लगभग बना दिया, और क्लोज करता है 26,364, यहाँ पे 26,862 का क्लोज करता है। कोई बात नहीं, हाई आप समझ, हाई से हाई कंपेयर कीजिए। तो हाई जब जून में 27,047 का बनाया और उसके बाद 27,873 गया, यहां से 800 पॉइंट अप दिखाया, और क्लोजिंग देखे तो 27,764 में अप साइड में ही क्लोजिंग दिया है इसने। तो मैं ये सेम प्रेडिक्शन को अभी कंसीडर कर रहा हूं कि 27,012 से यहां से अपसाइड ही देगा, 27,500, 27,750 यहीं पे देगा, लेकिन 27,500 पे उसको बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है, इतना जल्दी वो 27,433 या 488 है वो क्रॉस नहीं करेगा, वो भी मैं आपको बता दूंगा आगे। लेकिन एक बार देखिए 26,060 का रेंज दिखाया है, लोअर साइड में गया 26,000 का। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, अपर साइड है 27,873, बट लोअर साइड 26,000 का है। तो यही रेंज आप हो सकता है, ये 26,000 से 27,873, तो यहाँ हो सकता है आपको जो दिसंबर का हो वापस 26,000, और 26,000 से 27,500 ये रेंज में आपको, मुझे ऐसा प्रेडिक्शन है या मैं ऐसा समझता हूँ कि होना चाहिए, यही प्रोजेक्शन से आपको हो सकता है दिसंबर भी दिखाएगा। ये पूरे दिसंबर मंथ का था प्रेडिक्शन कि नीचे 26,000 और ऊपर साइड 27,500 तक आपको दिखा सकता है। लेकिन और एक चीज़ प्रेडिक्शन आपको, और एक अच्छी बात बताता हूँ, अपर साइड अपने पास जो है ना कांस्टेंट है। अपर साइड कितना जा सकता है, ये अपर साइड जो भी जाएगा ये अगर इसको मंथली चार्ट अपन ले लें, वीकली चार्ट ले लें, तो वीकली चार्ट में अपर साइड जो 28,203 है, तो आप देखेंगे यहाँ पे 28,203 इसका लास्ट है, और ये आज यहाँ पे जस्ट कहाँ से रिवर्स लिया आप देखिए, जब ये हाई बनाया तो हाई बनाया 27,012, जो कि आप देखेंगे ये 17 सितंबर 2018 को 27,002 बना करके हाई, और यहीं से रिवर्स लिया था। तो मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि यहाँ से रिवर्स ऐसा ही लेगा, लेकिन इलेक्शन चूंकि जो रिजल्ट आ रहा है ना, मुझे निगेटिव सुनने में आ रहा है कि बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट इलेक्शन का नहीं आ रहा है। क्या पोजिशन बनेगी वो तो बाद की बात है, बट ऐसा मार्केट में कहना है कि बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट इलेक्शन का नहीं आएगा। तो इसके लिए ये जो सबसे हाई था 27,404, तो ये यहाँ पे आपका सब, यहाँ पे रेसिस्टेंस 27,404 का बहुत बड़ा रेसिस्टेंस बनेगा यहाँ पे। तो इसलिए मैंने 27,500 बताया आपको, 27,500 के ऊपर की ओर 27,500 जो वापस एक सपोर्ट करता है मेरे डाटा को, 27,500 को वो सपोर्ट करता है यहाँ के कॉल पे, जो कि 2,36,000 और आज के डेट में एडिशन हुआ है। तो इस डेरिवेटिव से और चार्ट से और कॉल से ऊपर का डाटा सीमित है 27,500, और नीचे के डाटा आप देखेंगे तो 26,000 तक का बॉटम भी है, जो वापस यहाँ डेरिवेटिव से सपोर्ट करता है आप इस डाटा को। यहाँ पे आप देखेंगे 26,000 पे, तो 26,000 पे देखेंगे तो 5,71,000, आज 82,000 का अनवाइंड हुआ है, तो 5,71,000 का एडिशन हुआ है। तो अगर मैं ऊपर साइड देखूँ तो ऊपर साइड मेरे को यहाँ से बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलने को, 400 पॉइंट मिलने को है। नीचे साइड में मेरे को देखूँ तो 1,000 पॉइंट भी मिलने को है, और आज की क्लोजिंग से बात करूँ तो 862 पॉइंट मिलने को है। तो नीचे साइड मेरे को ज़्यादा इसमें सपोर्ट है, और चूंकि मेरा फर्स्ट 15 डेज जब तक रिजल्ट नहीं आता है तो निगेटिव है, तो मैं कोशिश करके मैं क्या करना चाहूँगा, पेपर ट्रेडिंग करूँगा, और मैं 26,500 के फुट पे पेपर ट्रेडिंग करना ज़्यादा पसंद करूँगा। इनकेस मेरा ये डिसीजन गलत होता है, एक लॉट लूँगा सिर्फ मैं, ये 20 आए और अगर 26,500 का चल रहा है 355 रुपया, तो आपको 7,000 का इन्वेस्टमेंट हुआ। अगर ये फॉल होता है और वो ऊपर जाता है
तो मैं इसके बाद 27,000 का वापस 7,000 रुपया लगाऊंगा और 27,000 का सेकंड पुट लूंगा मैं जब ये 27,500 पे जाएगा। और अगर इसको भी फॉल करता है और वापस ये ऊपर जाता है और 28,000 भी क्रॉस करता है, जो कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल है, कहीं कोई सपोर्ट नहीं है कि 28,000 बहुत ज़्यादा चला जाएगा, 1,31,000-29,000 का एडिशन है, तो मैं 27,500 का पुट लूंगा और वापस 7,000 रुपया ही लगाऊंगा क्योंकि पुट की वैल्यू वो डाउन होते जाएगी। और लास्ट चार, मैं हर समय बोलता हूँ चार लॉट लेते हैं यहाँ पे, अब चार लॉट लेंगे 7,000 करके तो 28,000 रुपये का टोटल इन्वेस्टमेंट है, एक साथ आप लेंगे तो प्रॉब्लम है। तो अगर आप लेते हैं तो वापस आप 28,000 क्रॉस करता है, एग्जम्पशन कीजिए 28,500 चला जाता है, तो मैं 28,000 का पुट लूंगा वापस 3,000 पे। और जब ये नीचे दिखाएगा, जब भी जिस रीजन से भी दिखाएगा, अगर आपको लगता है ये सब अभी जाने वाला है 10-15 दिन में चला जाएगा, तो 15 दिन में एक बार नीचे भी आएगा। एक ट्रेंड में कभी भी कोई भी चीज़ एक ट्रेंड में नहीं चलती है, या नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा। आप डेली का कोई भी चार्ट निकाल लीजिए, कहीं पर भी कोई एक ट्रेंड में जाकर के नहीं जाती, ऊपर नीचे करके स्टैग्नेंट करके चलता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि वन साइडेड ये सिंपल अप चला जाएगा, ऐसा गया भी नहीं है। और आपको अगर इसको मैं मंथली चार्ट में दिखा दूं तो आप देखिए यहाँ अप गया है, फिर नीचे भी आया है, फिर अप गया है, फिर नीचे आया है, फिर अप गया है, तो एक पैटर्न ये यहाँ से चलता रहता है। तो अच्छा खासा आपको देख, बैंक निफ्टी 28,000 पहुँच चुका है, तो नीचे का ट्रेंड ज़्यादा खुला है मेरे साइड, मेरे अंदाज से बैंक निफ्टी पे पुट का पोजीशन बनाना अभी अच्छा दिखता है। बाकी अगर कोई चेंजेज होगा, कोई बहुत अच्छा न्यूज आ जाता है, अगर इलेक्शन का रिजल्ट बहुत ही फेवरेबल होता है, तो भी अपसाइड तो 28,000 है। उस हिसाब से भी मैं सोचूं तो मेरे को 30,000 तो कोई नहीं पहुंचने वाला है। चलिए कोई बात नहीं, फिर भी मेरा अपना ओपिनियन है, अपना स्टेट है, तो हो सकता है कि मैं गलत हूँ, और गलत होऊंगा तो ज़्यादा खुश होऊंगा क्योंकि नेक्स्ट टाइम और भी अच्छा खासा इस पर एनालिसिस, या जो पैटर्न गलत होता है या थिंकिंग गलत होती है तो नए आदमी उसको नए ढंग से भी सोचता है। तो मेरा अपना व्यू है ये वापस पुट की साइड पोजीशन बनाना बेहतर होगा। और वापस मैं आपको दिखा दूं, जो अभी 26,500 का पुट बोला है 355 पे मिल रहा है, इस पे पोजीशन बनाने से पेपर ट्रेडिंग कीजिए 355 का, 20 का लॉट होता है, बहुत ज़्यादा बड़ा लॉट नहीं है, अभी 20 का बैंक निफ्टी का लॉट है, और 27 दिसंबर का, मैं आपको 27 दिसंबर की बात कर रहा हूँ। और अगर आपको प्रॉब्लम है, अगर ये अपसाइड लगता है कि ये कोई बहुत अच्छा न्यूज आता है, तो मैं अपडेट तो आपको दे ही दूंगा, ऐसा नहीं मैं हट जाऊंगा। जैसे यस बैंक आपको अपडेट दे दिया, यस बैंक ने जैसे निगेटिव था तो निगेटिव बताया, और जब अभी पॉजिटिवनेस आया तो आज ही आपको यस बैंक पे अपने व्यू बता दिया। मैं भागता भी नहीं हूँ, जो बताता हूँ उसको एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ। पीसी ज्वेलर्स पे भी आपको अपडेट दे दिया कि जब बॉटम बना तो बॉटम, जब बोला था आपको पीसी ज्वेलर्स में अपडेट दूंगा बाइंग का, तो बाइंग का सजेशन भी आपको दे दिया। तो जहां अपडेट रहेगा वहां अपडेट देने में हमें प्रॉब्लम नहीं, तो उससे क्या होता है एटलीस्ट आपको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। अगर मुझे लगेगा कल किसी कारण से सब चीज़ पॉजिटिव हो गया है, अभी जो G20 मीटिंग होने वाली है, चाइना का बाहर होने वाला है, जो इलेक्शन का रिजल्ट आने वाला है, जो अपना ग्रोथ इंडेक्स लास्ट महीने का जो निकलेगा, GDP आंकड़ा जो निकलने वाला है, वो सब पॉजिटिव होने वाला है, तो कोई बात नहीं, हम भी आपको पॉजिटिव का चार्ट बना करके बता देंगे कि हाँ सब पॉजिटिव होने वाला है, लेकिन मुझे अभी दिखता नहीं है वैसा। कोई बात नहीं, आप आज 30 तारीख है, 1 दिसंबर जब आप 2 तारीख को मोस्ट 3 तारीख से मार्केट चालू होगा, तो 3 तारीख पहला मंडे होगा, तो मंडे को आप देखिए इसमें क्या पोजिशन बना सकते हैं। और पुट की ओर आप देखिए मार्केट जाता है, पुट की ओर ज़्यादा पोजिशन बनता है कि कॉल की ओर पोजिशन बनता है, एक अच्छा, क्योंकि जनवरी निगेटिव होगा किसी भी हालत में, मुझे अपना, और अगर ये ऑलरेडी निगेटिव गया तो और भी गिरने का चांसेस बढ़ जाएंगे, तो किसी भी तरह जनवरी निगेटिव है। दिसंबर तो एक बार हो सकता है क्लोजिंग प्लस में देगा आपको, ऐसा अपना व्यू है, ओपिनियन है। डॉ में भी कोई खास रिकवरी देखने को नहीं मिल रही थी, डॉ में जैसा मैं देख रहा था, डॉ के चार्ट को देख रहा था, एक्चुअली डॉ के चार्ट से ही कंपेयर कर रहा था कि जब ये 28,000 से गिरा है तो अच्छा खासा गिरावट दिखा, और डबल बॉटम बनने के बाद ये एक बार अप लिया है, लेकिन ये वापस अपने 50% रिट्रेसमेंट को कवर नहीं कर पा रहा है। तो इंडिया ये जो है अपना चार्ट जो बताता है, ये अपना चार्ट बताता है 27,000 जो 78% है, तो 27,379 मतलब 27,400 यहाँ 80% कवर होगा, और यहीं से शायद इसको रिवर्सन देखने को मिले। और आपको 27,000 जो बताया मैंने आपको 26,745 वो यहाँ पे भी सपोर्ट है, जो कि 26,720 बताता है, वो 62% है उसका,
फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 62% है 26720। तो अगर ये डाउन लेता है तो फिर आपको नीचे की ओर सीधा 500 पॉइंट नीचे दिखा सकता है, 26250 तक आ सकता है, और किसी कारण से ये तोड़ता है तो आपको 25781 भी दिखा सकता है। तो इतना डाउन नहीं आएगा, फिर ये आप ले लेगा तो मेरा इतना जैसा 26251 और यहाँ पे 27400, ये रेंज में आप मान सकते हैं 26251 से 27400, इस रेंज में हो सकता है इस महीने की पूरी एक्सपायरी हो जाए। वापस लास्ट में 26500 का कॉल जो कि आपको दिसंबर 27 दिसंबर का लेना है, पेपर ट्रेडिंग करनी है, 355 रुपये में मिल रहा है, 20 का लॉट है, 7000 का इन्वेस्टमेंट लगता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।